Hello students, so now exercise number 8.1, question number 5. If Chameli had rupees 600 left after spending 75% of her money, how much did she have in the beginning? Now Chameli ke paas abhi 600 rupees bache hai after spending 75% of her money. Uske paas jitne money the usme se usne 75% money jo hai wo खर्च कर दिए. अभी उसके पास 600 रुपीस बचे हैं. देन हमें फाइंड करना है कि उसके पास बिगनिंग में यानी कि स्टार्टिंग में कितने टोटल रुपीस थे. तो जैसे फोर्थ क्वेश्चन में हमने जो फाइंड करना था उससे हमने सपोज किया था एक्स, वैसे यहाँ पे भी हमें जो फाइंड करना है दैट्स इट मनी के बिगनिंग में इसके पास कितने मनी थे, तो उसको हम एक्स सपोज करके आगे सम करेंगे. लेट्स सी हाउ टू डू. सो नाउ लेट द टोटल मनी चमेली हैड रुपीस एक्स. हमने सपोज किया है कि चमेली के पास स्टार्टिंग में एक्स रुपीस होंगे. उसमें से मनी लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, मनी खर्च कर देने के बाद उसके पास अभी 600 रुपीस बचे हैं. परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंट दैट इज 75%. उसने टोटल 75% ऑफ मनी जो है वो खर्च कर दिए हैं. नाउ 100% में से उसे 75% मनी जो है वो स्पेंड कर दिए, तो कितने मनी कितने परसेंटेजेस अभी इसके पास बचे होंगे. सो लेट्स सी कैसे करेंगे. 100% माइनस 75% जो उसने खर्च कर दिए हैं, तो अभी उसके पास 100 माइनस 75 सो 25% जितने मनी उसके पास है वो कितने हैं, 600, राइट. सो 25% ऑफ एक्स यानी कि टोटल मनी जो हमने सपोज किया था उसके अभी उसके पास 600 रुपीस है. सो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 25% को कैसे लिखेंगे, 25/100 ऑफ एक्स यानी कि मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 600. सो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था सेम उसी तरह से करेंगे. यहाँ पे हमारे पास 25/100 इस तरफ है, वो अगर इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो वो हो जाएगा रेसिप्रोकल. सो एक्स इज इक्वल टू 600 एज इट इज इनटू 25/100 का हो जाएगा 100/25. कट होगा यहाँ पे कुछ तो हम इसको कट करेंगे. 25 × 4 = 100 सो 25 × 25 कट. सो एक्स इज इक्वल टू 600 इंटू 4. सो 600 इंटू 4 करेंगे हम, 6 × 4 = 24 एंड 2 0s एज इट इज. सो एक्स इज इक्वल टू 2400 रुपीस. दैट मीन्स एक्स हमें किसको सपोज किया था कि उसके पास बिगनिंग में कितने रुपीस थे, दैट इज एक्स. तो अब एक्स का हमें आंसर मिला है 2400. दैट वाई चमेली के पास स्टार्टिंग में कितने रुपीस थे, 2400. क्लियर. सो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 8.1.